दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी मुश्किल से तो अच्छे दिन आए हैं हमारे, और तू चाहती है कि फिर से उसी गरीबी में हम चले जाए? खबरदार, तूने मधु को रोकने की सोची भी तो मैं फिर से वो गरीबी वाले दिन नहीं झेल सकती। कई साल मैंने अपने बेटे को छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पते हुए देखा है, दो पैसों के लिए खून पसीना बहाते हुए देखा है। अब मेरी ज्यादा उम्र नहीं बची है, कम से कम जाते जाते मुझे मेरा सुखी और संपन्न परिवार देखने दे। मैं फिर से अपने बेटे को उसी गरीबी में जाते नहीं देख सकती। अगर जाते हुए भी मैं अपने बेटे को उसी गरीबी में देखूंगी तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या यही चाहती है तू? आपका एक कण पुण्य की राशियों को खत्म कर देता है। तुम्हारा दान पुण्य करना अगर ये दूध है तो तुम्हारे आसपास हो रही बुराई, नमक, उसे रोको। आपको दुख देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये मेरा भी परिवार है। इन्हें सही रास्ते पर वापस ले आना धर्म है मेरा, और ये धर्म मुझे निभाना ही होगा। इनके गलत काम रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? गोलू, क्या कर रहे हो तुम? ये कोई खेलने की जगह है क्या? आई, घर चलो ना। अभी नहीं बेटा, अभी तो मुझे बगल वाली काकी के घर भी जाना है, अनाज साफ करने में उनकी मदद करनी है। लेकिन आए, आपने अभी अपना अनाज तो साफ किया ही नहीं। साई कहते हैं कि दूसरों की मदद के लिए कभी ना नहीं कहते। आज मैं काकी की मदद करूंगी और कल काकी मेरी। ऐसे ही एक दूसरे की मदद करके तो दुनिया चलती है। अच्छा तुम रुको, मैं जल्दी आती हूँ, और तब तक कोई शैतानी मत करना। आई, मैं कभी कोई शैतानी करता हूँ क्या?
गोदाम से धुआं क्यों आ रहा है? सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तपके निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गा, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहा। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे प्रभु जी करे सहाय। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। गोलू गोलू मेरे बच्चा, कैसे गया और यहाँ इतना पानी कैसे आया? मुझे नहीं पता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने साई का नाम स्मरण किया तो अचानक से ऊपर से पानी आने लगा तो मैं भीग गया और सारी आग बुझ गई। ये मेरे साई का ही चमत्कार है। आपका लाख लाख धन्यवाद साई कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। ओम साई राम, ओम साई राम। राम जी भला करें।
हमने सब ठीक किया ना? अब इतने सारे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद गलती कैसे हो सकती है तुम दोनों से? हमें आशा है कि हर जगह की तरह यहां भी हमारा ये नाटक फलीभूत होगा और आपको मुनाफा होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया में जगह कोई भी हो, लेकिन इंसान की फितरत एक जैसी होती है। इंसान की कमजोरी है उसका लोभ, और वो कमजोरी मेरी ताकत है। तुम देखना, मंदिर में बैठे उन दो चार लोगों ने ये बात शिरडी के 400 लोगों तक पहुंचा दी होगी। मुझे यकीन है दो दिन में लोग मेरे पास खुद ही आएंगे इस योजना के बारे में पूछते हुए, हाथों में पैसे लेकर। लेकिन मधुभाव, आप जिस गांव भी जाते हैं कोई ऐसा बंदा जरूर पकड़ते हैं जो आपका सहायक बन के काम करे। इस बार कोई मिला? मिला तो है, पर अब तक आया नहीं। आज नहीं तो कल वो आएगा जरूर। लक्ष्मी, क्या हुआ? बाबा से पूछे, वो जानते हैं। फिर वही बात, बाबा ने कहा ना तुझसे, इतनी पूंजी नहीं है इनके पास, फिर भी तू। मैं समझता हूं भाई, पर सच कहूं तो बाबा पर बोझ बनकर व्यापार मुझे भी नहीं करना है। लेकिन अब तो इतना अच्छा अवसर मिला है, मधु काका पैसे दे रहे, तो उसमें क्या बुराई है? परिवार वालों की मदद लेना कहाँ बुरा है? और फिर पैसे मैं लौटा दूंगा, आप लोगों को एक पाई नहीं देनी होगी, सब कुछ मैं चुका दूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मुझ पे विश्वास तो कीजिए एक बार। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन हर चीज का एक समय भी होता है। तुम अभी 20 साल के भी नहीं हुए हो, थोड़ा तो इंतजार करो। इंतजार? कब तक इंतजार करूं बाबा? आपके हिसाब से तो मैं कभी तैयार ही नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं है गोविंदा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि नौकरी करके तुम कुछ पैसे कमा लो, थोड़ा तजुर्बा हासिल कर लो। आप भी तो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, आपने कौन से पैसे जमा कर लिए? आज जब जरूरत पड़ी है तो कुछ भी नहीं हमारे पास, कल को कोई मुसीबत आ गई तो उसके लिए भी कुछ नहीं है इस घर में। गोविंदा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? आज तक किसी चीज की कमी होने दी तेरे बाबा ने तुझे? आई मैं मानता हूं, बाबा ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता मेरे लिए। इनके प्यार का कर्ज तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। इनकी सारी उम्र मेहनत करने के बाद भी हमारे पास मुसीबत के वक्त के लिए 4 पैसे नहीं जुड़ पाए। आप लोगों ने शायद भुला दिया, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे लगा था कि मैं आपको खो दूंगा। हम त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए गए थे और अचानक आई की तबीयत खराब हो गई थी। तब हमारे पास साई की उदी नहीं थी और वापस आने की आई की हालत नहीं थी। हुआ वैद्य? इनके हालात ठीक नहीं है, मेरी दवाइयों से इनका इलाज नहीं हो सकता। पास के ही अंग्रेजी अस्पताल है, वहां लेके जाइए, वहां इनका इलाज अच्छे से हो सकता है। आप मुझे अभी वहां ले चलिए, मैं बात करके आता हूं। चलिए। Thank you.
क्या कहा डॉक्टर ने बाबा, हम आई को लेके चले? क्या हुआ बाबा, बोलिए ना। जीव को अस्पताल में 3 हफ्ता रखना पड़ेगा, पूरे इलाज में 200-300 रुपए लगेंगे। तो दे देते बाबा। होते तो बिना सोचे दे दिए होते। तो फिर अंग्रेजी इलाज करा पाना हमारी हैसियत के बाहर है बेटा। तो क्या आई? नहीं गोविंदा, तुम्हारी आई को कुछ नहीं होगा। हम भले ही शिरडी से दूर हैं, लेकिन साईं हमारे करीब है। वो तुम्हारी आई को कुछ नहीं होने देंगे। साईं पर भरोसा रखो। उस दिन मैं ये सोच के हिल गया कि पैसों की कमी के वजह से शायद मैं आपको खो दूंगा आई। वो 2 दिन मेरे जीवन के सबसे दुखद और कठिन दिन थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरी आई जिएगी या नहीं। और फिर साई का चमत्कार हुआ। जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात। चिंता मत कीजिए चूतई, हिम्मत टूटे आपको कुछ नहीं होगा। समझ न आए तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के, बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के, बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आप जल्दी ही अच्छे होंगे। जीव साई, साई खुद आए थे मुझे उदी देने। क्या? हाँ, मुझे अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। उन 48 घंटों ने मुझे सिखा दिया कि अगर पैसे सब कुछ नहीं भी हो, लेकिन बहुत कुछ होते हैं। लेकिन साईं ने उस समय भी आकर हमारी मदद की थी, फिर तुम्हें चिंता किस बात की? साईं तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन हर बात के लिए उन्हें परेशान करना या हर इच्छा उनके भरोसे छोड़ना, ये भी तो ठीक नहीं है। और फिर साईं खुद कहते
कि भगवान के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो हार नहीं मानता। पर फिर जीवन में किसी पर निर्भर रहना भी तो ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम हमेशा इतनी कंगाली में रहे कि मैं अपनी आई को बीमार देखूं और कुछ कर ना सकूं। मुझे किसी भी हालत में इस काबिल बनना है कि मैं आप दोनों का ख्याल तो रख ही सकूं। मुझे माफ कर दो गोविंद, कि उस वक्त मैं इतना बेबस था। जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती, धन चाहे कितना भी क्यों ना हो सकता है कि कभी ना कभी वो सारा धन भी कम पड़ जाए। भले ही आज आप मेरा नजरिया नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहता। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं जाऊंगा और काका से पैसे लूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं गोविंदा, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। अगर तुमने दादा से पैसे मांगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे।